दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के YouTube चैनल छवि अश्विनी कुमार में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए भैया बेल आइकॉन को क्लिक करना, उसके ऊपर भी ऑल के ऊपर तो भाई बहुत जरूरत है। तो वैसे टाइटल थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है। यस, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो जड़ से आपके बाल को ब्राउन कलर का करने वाला है। यकीन करें, ब्राउन कलर का जड़ से आपके बाल को करने वाला है कलर। तो भाई आज का वीडियो देखना तो 100% मस्ट है। भाई वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो भाई अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आगे चल के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में नो कंजूसी, दिल खोल करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आज जो मैं इस रेमेडी को आपको बता रही हूँ, प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं गई पार्लर। आप देख रहे हो मेरे बाल कटे हुए हैं, है ना? देख रहे हैं ना, पार्लर गई थी आज हेयर कट कराने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी जाऊंगी। फाइनली मैं बोली कि भैया आज चलो जाकर के आते। आज मैं पार्लर में गई, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला। और कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला कि आपके बाल ना एकदम से स्ट्रेट है। मैं बोली थैंक यू। और एक बात आपको बोलूं क्या? मैं बोली बोलिए। आपके बाल थिक हो गए हैं पहले से? मैं बोली ना बाबा, थिक तो उतने नहीं हुए। तो कह रहे यकीन करें आपके बाल थिक भी हुए हैं। तो मुझे इतना सुन के अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको ये स्टोरी इसलिए कह रही हूँ कि आप सबके साथ मैं वही चीज शेयर करती हूँ। हेयर मास्क हो गए, चाहे फेस पैक हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, आप सबके साथ मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, तो मेरी कोशिश रहती है, मेरे दिल में होता है कि आप सबको भी ना अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, जब आप बाहर जाते हो तो आप सबको भी ये कॉम्प्लीमेंट मिले। इसी कॉम्प्लीमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं सुपर से भी ऊपर वाले ये जो DIY नेचुरल ब्राउन कलर है ना, इसकी रेसिपी को बताना शुरू करती हूँ। हेयर कलर करना है, आप हेयर कलर कर सकते हैं। अगर आप DIY हेयर कलर इस्तेमाल करते हो मेरे जैसा, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? वो टोटली आपके ऊपर है। तो इस सुपर से भी ऊपर वाले हेयर कलर को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए, वो चाहिए आपको हिना पाउडर। अब आपके पास जो भी ब्रांड का हिना पाउडर हो आप ले सकते हो। अगर आप मुझसे पूछते हो मेरा पर्सनल फेवरेट हिना पाउडर ब्रांड कौन सा है, मैं हर टॉनिक के यूज करती हूँ या फिर एल्स गुडनेस के यूज करती हूँ। तो आपके पास जो भी ब्रांड का हिना पाउडर हो आप ले सकते हो, ठीक है? आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से जो है हिना पाउडर लोगे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं कितना लेती हूँ, कितना स्पून लेती हूँ हिना पाउडर, तो मैं 3 स्पून लेती हूँ हिना पाउडर। वो जो अपना टेबल स्पून होता है ना, उससे, वो वाले स्पून से जो है भर भर के 3 स्पून लेती हूँ मैं हिना पाउडर, ठीक है? तो एक बाउल ले लिया आप, उसके अंदर आपको डालना है 3 स्पून हिना पाउडर। हिना क्या करता है, हिना पाउडर क्या करता है, आपके बाल को नेचुरली जो है वो ब्राउन कलर देता है। अब बहुत को ये कलर पसंद नहीं है तो वो हिना का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत को ऐसा होता है कि नहीं, मैं हिना इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिटेंस की परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको मैं बता दूं कि हिना पाउडर के इस्तेमाल से कभी भी स्प्लिटेंस की परेशानी नहीं होती है। स्प्लिटेंस की परेशानी को हिना जो है वो दूर करता है। ये आपको जो स्प्लिटेंस की परेशानी है वो बढ़ाता नहीं है। जहां तक ड्राइनेस की बात है, अगर आप हिना का इस्तेमाल करते हो तो थोड़े बहुत आपके बाल ड्राई होते हैं, बट उसका सलूशन भी है जो मैं आज आप सबके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि आपके बाल जो है वो ड्राई ना हो। अगर आपको ब्राउन कलर पसंद है, अगर आपको ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन वाले कलर, आपको जो वो कॉफी कलर होता है वो अगर आपको पसंद है, तो आपके लिए ये हेयर मास्क है। बट अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है, तो ब्लैक कलर जो है इससे आपको नहीं आने वाला है। बट कलर इतना बेहतरीन आएगा कि आप यकीन करें, इस हेयर मास्क को अगर आप सिर्फ 4 बार इस्तेमाल कर लेते हो ना, यकीन करें सिर्फ 4 बार, इस मेरे कहने पर भरोसा करें, 4 बार इस हेयर कलर का इस्तेमाल कर लेते हो, और अगर आप उसके बाद अपने पिक्चर को पहले आप क्लिक कीजिए, ये 4 बार इस्तेमाल करने के पहले अपने पिक्चर को क्लिक कीजिए, और 4 बार इस्तेमाल करने के बाद अपने पिक्चर को क्लिक कीजिए, आपको जमीन आसमान का अपने पिक्चर में आपको फर्क पड़ेगा। अब आप कहोगे हेयर कलर से पिक्चर का क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं खुद ही आपको बताती हूँ,
जब मेरे बाल फ्रंट से, मेरे बाल पीछे से व्हाइट नहीं होते हैं, ग्रे नहीं होते हैं, बट मेरे बाल फ्रंट से जो है ना वो ग्रे हो जाते हैं। तो अगर आपको फ्रंट से आपके बाल अगर ग्रे दिखते हैं ना, तो आपकी खूबसूरती है ना कहीं कम हो जाती है, आपकी स्किन ना थोड़ी सी डल लगने लगती है। बट जहां आप हेयर को कलर करते हो ना, आपकी स्किन जो है ना इवन टोन लगने लगती है, आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो भैया हेयर कलर का भी हमारे खूबसूरती में बहुत बड़ा वाला योगदान है ना, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन टोटली आपके ऊपर है। तो आपने कितना ले लिया, 3 स्पून ले लिया आपने हिना पाउडर, और आपको ये जो टेंशन था उसकी परेशानी भी दूर कर दी मैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है, वो ऐड करना है कर्ड, यानी कि दही। अब दही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि भैया उसको अगर आप ऐसे भी अगर अपने बाल में लगा लेते हो, यूं 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 करके अच्छे से लगा लेते हो, 1 घंटे के लिए अपने बाल में रखते हो और उसके बाद जब आप वॉश कर लेते हो, डैंड्रफ की परेशानी आपकी गायब। सीरियसली आपकी डैंड्रफ की परेशानी गायब हो जाएगी, आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम सिल्की हो जाते हैं, और मैं क्या ही आपको बताऊँ आपके बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। तो दही है सेकेंड इंग्रेडिएंट, और दही आप इतना ले लेंगे जितने में अच्छे से जो है आपका जो ये हेयर मास्क है ये आपका बन के रेडी हो जाए, पतला नहीं होना चाहिए ये हेयर मास्क, ओके। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है कॉफी पाउडर। कॉफी का काम है आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाना, आपके आपके हेयर को जो है ना एकदम से नेचुरली ब्राउन कलर करने वाला है, और आपके अगर स्प्लिट एंड्स की परेशानी, उसकी परेशानी को दूर करेगा, रूट से आपके हेयर को मजबूत बनाएगा, साथ ही साथ आपके बाल में नई जान लाने वाला, आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की बनाएगा, बाउंसी बनाएगा और खूबसूरत बनाएगा। तो मैं कॉफी पाउडर भी ले रही हूँ 3 स्पून, यानी सिंपल है भैया, जितना लोगे हिना पाउडर उतना ही आपको लेना है कॉफी पाउडर। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है एलमंड ऑयल। अच्छा, आपके पास एलमंड ऑयल नहीं है, अब भैया आपके पास जो ही ऑयल है, एलमंड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, फ्लक्सीड ऑयल हो, दिस ऑयल हो, डैट ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, जो भी ऑयल हो आपको इसके अंदर डालना है। वो इसलिए डालना है क्योंकि आप जो बोलते हो ना कि हिना से आपके हेयर जो है ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, उसकी परेशानी आपको नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो ऑयल आपको कितना डालना है, 1 स्पून। अब इन सबको आपको करना है एकदम अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसका रेस्ट लेने के लिए इसको आपको छोड़ देना है, या तो आप ओवरनाइट इसको रेस्ट लेने के लिए छोड़ सकते हो पूरी रात, या 2 घंटे के लिए रेस्ट लेने के लिए इसको छोड़ दें, और आपको उसके बाद जो है आपको अपने बाल में लगाना है। तुरंत बनाओगे, तुरंत लगाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए छोड़ते हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे बाल में कैसे हम लोग हिना अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको पूरे बाल में आपको लगाना है, लेकिन इस हिना को लगाने के पहले, इस पैक को लगाने के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बाल जो है एकदम से साफ सुथरे हो, आपके बाल में ऑयल तोयल ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल में कलर आए तो आपके बालों में जो है ऑयल लगा हुआ नहीं चाहिए, आपके स्कैल्प क्लीन चाहिए, आपके बाल जो है वो साफ सुथरे चाहिए। साफ सुथरे बाल में जो है आपको पूरे बाल में इसे अच्छे से लगा लेना है, लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको बालों में लगे छोड़ना है। 3 घंटा नहीं रखना है तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आपको अपने बाल में इसे लगे छोड़ना है, और उसके बाद जो है अपने बाल को शैम्पू से वॉश नहीं करना है, आपको नॉर्मल टैप वाटर से, जो नॉर्मल जो पानी होता है उससे अपने बाल को अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। अच्छे से वॉश कर ले और उसके बाद आपको उसे छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे अपने बाल को आपको शैम्पू करना है, अच्छे से शैम्पू करना है, माइल्ड कोई भी माइल्ड शैम्पू ले ले और उससे आपको शैम्पू करना है, उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना है। फर्स्ट वॉश में ही आपको आपके बाल में फर्क दिखेगा। इसका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, में एक बार इस्तेमाल करते हो तो आपके कभी भी आपको ग्रे हेयर की परेशानी नहीं होगी और आपके बाल बहुत ज्यादा बाउंसी और खूबसूरत होंगे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया, वीडियो अच्छा लग गया हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।